हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब कभी ऑन द स्पॉट कुछ हादसा अगर हो जाता है ना, तो उस टाइम पे सीरियसली दिमाग चलना बंद हो जाता है। ये मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार देखो हमें नॉलेज होती है पर हमको उस टाइम में समझ नहीं आता, और कई बार नॉलेज के अभाव में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अब देखो, वीडियो जो है ना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कभी मान लो इन केस गाड़ी चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, आपको पता है कितना डर लगा रहता है भाई। मोस्ट ऑफ द लोगों की गाड़ियां खड़ी होती है बाहर, या कहीं हमें ऐसी जगह पे पार्क करनी पड़ जाती है गाड़ी जहां हमारा मन नहीं मानता, लेकिन मजबूरी होती है गाड़ी पार्क करके जाने की, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ना बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे गए कि गाड़ी जो होती है चोरी इन्हीं वजह से हो जाती है, राइट। तो अगर मान लो उस टाइम पे अगर गाड़ी चोरी हो जाए, तो आप कैसे बिहेव करोगे? आप मतलब क्या ऐसा पहला कदम है जो आपको लेना है, आपको किसको फोन करना है, आपको क्या स्टेप लेने हैं? सीरियसली बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता। हम उस टाइम पे तो कूल है अभी नॉर्मल कंडीशन में कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन देखो आज की डेट में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास 110% कार की इंश्योरेंस है, पॉलिसी ऑब्वियस बात है। बट इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है ना, उसके भी कुछ कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं, वो खुद आपको बताते हैं कि भाई इस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। देखो, पांच ऐसे जो है ना मेन छोटे छोटे बेसिक स्टेप है जो आपको कर लेने हैं, और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। अगर ये सीरियल वाइज करोगे, इधर उधर नहीं घूमोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, तो आपका जो क्लेम है ना, जो आपने पॉलिसी करा रखी है, जिस पर्पज के लिए आपने करा रखी है, आपको पैसा तुरंत आपका पूरा मिल जाएगा। तो देखो भाई, पहले इंश्योर कर लो, आसपास लोगों से पूछ लो, जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ ना कि भाई ये सिम्टम है, अब तो मुझे लगता है कि गाड़ी जो है मेरी चोरी हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको कदम क्या करना है, पहला स्टेप क्या लेना है, तुरंत जाके थाने में पुलिस स्टेशन में FIR आपको करा देनी है, लिखवा देनी है कि मेरी ऐसे ऐसे करके कंडीशन है, मैं वहां गाड़ी लेके उस जगह पे फलानी जगह पे मेरी जो गाड़ी है चोरी हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही आप FIR लॉन्च करा देंगे, उसके तुरंत बाद नंबर 2 स्टेप आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी की आपकी कार की पॉलिसी है, ठीक है, चाहे SDFC की, चाहे ICICI की, व्हाटएवर जो भी है, तुरंत वो FIR की कॉपी लेके आपको जो है कॉन्टेक्ट करना है आपकी जो कार की पॉलिसी है इंश्योरेंस कंपनी है, बराबर। 2 स्टेप हो गए। नंबर 3 आपको क्या करना है दोस्तों, कि वेट करना है जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट आपके पास नहीं आ जाती, इन्वेस्टिगेशन की पूरी फाइनल जो रिपोर्ट बन के आ जाएगी, वो फाइनल कॉपी के हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी आपके पास, उसके आधार पे आपको दोबारा कॉन्टेक्ट करना है, उनको सबमिट करनी है इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी जिससे आपने कराई हुई है, राइट। नंबर 4, अब क्या होगा, जब आपने अपना पूरा काम कर दिया है, अब जो कंपनी होगी वो या तो कोई इंस्पेक्टर या कोई ऑथोराइज जो सुपरवाइजर होता है वो आएगा, सर्वेयर आएगा, वो पूरा सर्वे करेगा आपके साथ, कुछ क्वेश्चन जो होगा वो पूछेगा, आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। उस टाइम पे आप बिल्कुल हम्बल रहो, आपको जो वो पूछेगा भाई, बिल्कुल जेन्युइनली जो भी आपके साथ हादसा हुआ होगा वो आप तुरंत उनको बता दो, ठीक है। कुछ भी डरने की, घबराने की, छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और नंबर 5, ये सब चीजें होने के बाद, फाइनल रिपोर्ट बन के होने के जाने के बाद, आपका जो क्लेम होगा वो सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। जिस मोमेंट पे आपको आपकी गाड़ी का पैसा मिल रहा होगा, क्लेम सेटलमेंट का पैसा मिल रहा होगा, उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो RC है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके नाम पे। उसके बाद ये करने के बाद आपके पास जो गाड़ी की चाबी है, दोनों चाबी आपको जो है उनके पास सरेंडर करनी पड़ेगी, हैंडओवर करनी पड़ेगी। ये सब होने के बाद क्या होगा, कंपनी जो होगी ना आपको एक लेटर ऑफ सबरोगेशन देगी, ठीक है। उस लेटर ऑफ सबरोगेशन में क्या लिखा होगा, कि उसमें पूरा का पूरा आपको बकायदा सब पढ़ लेना, लिख लेना, उस पर आपको सिग्नेचर वगैरह पूरा फॉर्म फिलअप वगैरह करना पड़ेगा। उसमें ये लिखा होगा कि इस कंडीशन में गाड़ी जो है चोरी हुई है, और कंपनी ने पूरा का पूरा जो है पैसा जो भी बनता है वो क्लेम सेटलमेंट के दौरान कंपनी ने क्लेम पास कर दिया है। अब आगे फ्यूचर में अगर मान लो आपको कुछ भी जो है गाड़ी मिल जाती है, कुछ भी होता है, आपका उस गाड़ी पे कोई अधिकार नहीं होगा। कई बार भाई लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉड काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या होगा, आप उसके पास आपका जो टाइटल है, आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट है, वो आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। आप उस मालिकाना हक आप खो चुके होंगे, आप जो है सरेंडर कर चुके होंगे कंपनी के नाम पे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको फॉर्म में भर के और साइन जुड़ी साइन आपको करके देना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना काम होने के बाद आपका जो फुल एंड फाइनल जो पेमेंट है वो आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है इस कंडीशन में आके। होप आप लोग सब समझ गए होंगे, आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस तरीके की और वीडियो आप देखना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।